एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी हम दोनों रेडी हैं बीच में जाने के लिए, बाकी सब भी रेडी है, तो सब चले गए, बस हम दोनों बचे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, कब मज़ा आने वाला है बीच में, क्योंकि बीच के किनारे बहुत मज़ा आता है। तो अभी भी हुई है कुछ वैसे ही है, क्योंकि बस थोड़ा बहुत फ्रेश हुए हम होटल में, उसके बाद फिर बोलेंगे बीच से आके ही अच्छे से होंगे, क्योंकि बीच में जाके भी नहाना है, फुल मस्ती करना है। धूप यहाँ काफ़ी है, मतलब जैसे हमारी रांची में बहुत ज़्यादा ठंड थी, यहाँ बिल्कुल नहीं है, यहाँ गर्मी लग रही है और बाहर बहुत ज़्यादा कड़ा धूप। चलिए गए हैं बीच पे और बहुत मज़ा आ रहा है, जोरदार मज़ा आने वाला, मतलब तीन चार दिन हम जितना भी बिताने वाले हैं फुल मस्ती करने वाले हैं। बीच देखे तो मज़ा आ रहा है कि कब जल्दी पानी में चले जाए, बट डर भी है, बच्चे तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, मतलब मैं मना करूँगी और उनको और जाना है थोड़ी दूर तक, तो थोड़ा सा उससे टेंशन रहता है। तो बीच में बहुत ज़्यादा भीड़ है, मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सेस, मैं इतनी बार आई हूँ ना, बट इतना ज़्यादा भीड़ कभी नहीं था। पता नहीं अभी सीजन है कि क्या, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस चल रहा है, तो शायद इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। बट इन सारे स्पॉट में ना, मतलब जो भी जितने भी पिकनिक स्पॉट होते हैं, घूमने वाले स्पॉट होते हैं, इन सब में भीड़ भाड़ रहता है तभी मज़ा आता है, ऐसे अकेले अकेले जाओ तो मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। और ये सब यहाँ चेयर लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी प्लानिंग है थोड़ी सी कि हम थोड़ा सा पहले बैठेंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, थोड़ा सा रील्स बनाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट्स बनाएंगे, उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे पानी में, क्योंकि पानी में जाने के बाद जितनी देर नहाना है नहा लो, उसके बाद फिर सीधे होटल, क्योंकि उसके बाद फिर रील्स शॉर्ट्स जो भी आप बैठ के कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद ठंड लग जाना है, तो यहां से नहाने के बाद सीधे होटल भागना है। तो चलिए इंजॉय करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी बार नहाए, काफ़ी बार सूखे, फिर नहाए, फिर हम सूखे, मतलब कपड़े बार पे भींग रहे थे और फिर सूख रहे थे, और हमारा बचा था फोटो सेशन, बहुत देर चला था। तो चलिए अब खूब मस्ती हमने किया, उसके बाद हम वापस होटल आ गए थे, थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद हम शाम में फिर रेडी हो गए थे, जाना था मंदिर दर्शन करने के लिए। सुबह तो आप जा ही नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा भीड़ पड़ी हुई है, मतलब हालत ख़राब होनी है सुबह जाके। आप दर्शन पता नहीं, मगर मॉर्निंग में 4 बजे लोगों की, तो पता नहीं 10-11 बजे कितने बजे दर्शन होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है अभी। तो अभी हमने शाम में डिसाइड किया है जाने का, बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि अभी भी खाली मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है इस बार पूरी में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ हम वेट कर रहे हैं, ऑटो टोटो जो भी मिल जाए यहाँ से मंदिर के लिए उससे जाएंगे, क्योंकि पैदल थोड़ा सा दूर है, तो बच्चे उच्चे सब हैं साथ में, तो इसलिए हम सब यहाँ खड़े के वेट कर रहे हैं कि जो भी मिल जाए टोटो ऑटो उससे हम चलते हैं मंदिर तक। उसके बाद तो मंदिर तक पैदल ही जाना है अंदर तक, अभी कितनी लाइनें लगनी है पता नहीं,
और उसके बाद मैं क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मंदिर के अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं है मोबाइल फ़ोन लेके जाना। सारे बाहर जमा हो जाते हैं, बैग, मोबाइल फ़ोन, बेल्ट, जो भी ये सारे लेदर बैग जो भी सारे हैं सारे अंदर बाहर जमा हो जाते हैं सॉरी। तो मंदिर के अंदर कुछ भी हम नहीं लेके जा सकते। तो जितना बाहर का क्लिप है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा भीड़ आप देख रहे हो। मतलब अभी भी पता नहीं, देखिए हम कितने बजे तक दर्शन कर पाते हैं। हम घर से निकले थे 5 बजे, बट लाइन देख के तो लग रही है काफ़ी लेट होने वाली है, लेकिन कोई नहीं, इसका भी अपना ही मज़ा है। मतलब भीड़ भाड़ में सबके साथ फुल एंजॉय करके लाइन लग के भगवान के दर्शन करो, उसका भी अलग ही मज़ा है। तो दर्शन तो होना ही है, चाहे कितना भी लेट हो जाए तो दर्शन तो करके ही हम आएंगे। और यहाँ का जो महाप्रसाद मिलता है ना वो बहुत टेस्टी रहता है, खीर खिचड़ी दोनों मिलता है। तो वो आप चाहे वहाँ बैठ के भी खाओ या घर लेके आओ, होटल आ जाओ वहाँ बैठ के खाओ, दोनों की सुविधा है। तो मैंने तो काफ़ी मन बना के रखा, मतलब मैं काफ़ी टाइम पहले खाई थी, उसके बाद 3-4 बार पूरी आई हूँ, बट महाप्रसाद नहीं खाई हूँ। मतलब पूजा वूजा करते हैं और हम निकल जाते हैं ऐसे प्रसाद लेके, महाप्रसाद जो खीर खिचड़ी रहती है वो नहीं ले पाई हूँ। बट आज मैंने का मन बनाया है कि महाप्रसाद तो लेके ही जाओ, देखते हैं क्या होता है, हो जाए। मतलब ये होता है ना कि अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, भीड़ भाड़ रहता है, तो जल्दी जल्दी करो निकल जाओ। लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं महाप्रसाद थोड़ा सा भी ले सकूं तो ले लूं, क्योंकि ये वाला टेस्ट फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। और फिर पता नहीं फिर दोबारा कब मौका मिले पूरी आने का। कहीं आप अगर निकल गए तो निकल गए, वो सोचते रहोगे तो कभी नहीं होता। और ये देखिए इधर खाजा मिल रही है, मतलब खाजा तो यहाँ का फेमस है, कहना ही नहीं, इतना टेस्टी यहाँ खाजा मिलता है। और खाजा ही आपको यहाँ सबसे ज़्यादा दिखेगा, हर स्वीट्स की दुकान में खाजा बहुत ज़्यादा दिखता है। फाइनली चलिए इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ अगर ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।